Yet another woman has raised her voice against triple talaq, this time in the city of Amroha, Uttar Pradesh, where the victim was divorced by her husband via speed post. According to the victim, her husband had been demanding more dowry from her and had even assaulted and abused her reportedly. She also alleged that he had even thrown her out of the house on several occasions. शादी के कुछ दिनों बाद तो ऐसे ठीक ठाक चलता रहा, सास ससुर तब भी कुछ नहीं कहते थे, लेकिन शादी के थोड़े 4-5 महीने बाद वो लोग दहेज के लिए दहेज की मांग करने लगे, कार की मांग करने लगे, आए दिन कभी कुछ करते थे कभी कुछ करते थे, पति परेशान करते थे। फिर कुछ दिनों बाद ऐसी मैंने घर वालों से भी कोई शिकायत नहीं कही, घर पर आकर पापा ने कहा कि कोई नहीं, बर्दाश्त कर लो, थोड़े दिनों की बात है, सब ठीक हो जाएगा। फिर आते थे, पापा से कुछ नहीं कहते थे, वहां पर जाके वहां जाने के बाद मुझे मारते थे वो लोग, सास थी वो परेशान करती थी। दो द इंसिडेंट हैज बीन रिपोर्टेड टू द लोकल पुलिस, नो एक्शन हैज बीन टेकन येट।